तो हेलो फ्रेंड, फाइनली बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए फिर से यहाँ पर नया नोटिस जारी किया गया। नोटिस में क्या बताएगा, चलिए हम आगे जानते हैं। लेकिन अभी अपडेट आ रही है कि 24 से 25 सेशन के लिए जो अप्लाई होने वाला है, जो कि 10 लाख हमें मिलते हैं और 5 लाख हमें माफ़ हो जाते हैं बिजनेस करने के लिए, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल देगा। नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा उसकी भी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि लघु उद्यमी योजना है क्या। यह एक योजना है जो 10-12 पास वाले बच्चे को ही ये योजना की लाभ दी जाती है। यानी आप अदर होंगे तो आपको अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हम निरक्षर होंगे तो आपको कोई भी मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब नोटिस कहाँ से आपको मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल इनके ट्विटर हैंडल पे इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि इस डेट में आपका जारी हो गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम ट्विटर हैंडल आपको दिखलाते हैं। संदीप कुंडकर के यहाँ पर ट्विटर हैंडल के द्वारा इनके द्वारा बताया गया है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 24 से 25 सेशन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 24 से 25 के लिए आवेदन पत्र 1 जुलाई 2024 से लिए जाएंगे। अभी तो जून चल रहा और जुलाई का बात यहाँ पर कर जा रही है, तो यहाँ पर जून चल रहा है तो हमें एक मंथ का हमें टाइम मिल गया है। जुलाई जी आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और आवेदन पोर्टल को 31 जुलाई 2024 तक खुला रखेगा। यानी कि एक मंथ का आपको समय मिल रहा है। अब बात करेंगे कि एक मंथ का हमें समय मिल रहा है तो ये नोटिफिकेशन पहले ही क्यों बता दिया गया। तो नोटिफिकेशन इसलिए हमें पहले बता दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अपना या तो अपने पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना के नहीं रखते हैं, उस वजह से यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या तो टाइम कम होने की वजह से ना तो वो डॉक्यूमेंट बना पाते हैं और ना ही वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को ध्यानों को नज़र में रखते हुए उन्होंने एक अच्छी सी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। आप बात करते हैं ट्विटर हैंडल पर आप कैसे पहुँचेंगे। ट्विटर हैंडल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, छोटे मोटे अपडेट को लिए वहाँ ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको इस बटन पर क्लिक करके टेलीग्राम में ऐड होने के बाद आप सिंपली इसे देख पाएंगे। अब चलिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कन्फर्म कराते हैं कि ये हमारी उद्यमी योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या योजनाएँ रखी गई है जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब वहीं बात करें इस परियोजना की सूची को आप देखना चाहते हैं, जैसे कि कौन कौन सा बिजनेस करने के लिए हमें पैसे दिए जा रहे थे, इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहां से आपको जितना हमें लिस्ट होगा सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है आइसक्रीम उत्पादन हो, आटा सत्तू बेसन उत्पादन हो, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे कि पेज नंबर 1 में इतने दिखा रहे हैं, पेज नंबर 3 में कितने दिखा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। तेल मिल हो गया, दाल मिल हो गया, नोटबुक कॉपी फाइल फोल्डर ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो चार पेज रखे गए हैं। आप कोई भी कौन सा भी बिजनेस करना चाहते हैं एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। जैसे कि मैंने 6 पेज में भी यहाँ पर कर दिया हूँ, तो 6 पेज में शायद ढाबा होटल रेस्टोरेंट फूड ऑनलाइन इतना ही चीज़ें रखी गई हैं। तो 1 में आपने देख लिया, 2 में आपने देख लिया, तो एक बार अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगता होगा वही आप अप्लाई करेंगे उस बिज़नेस को करने के लिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा उसी में आप अप्लाई करेंगे। अब इसका जो देखेंगे कि हमारे जो इसे अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या कैटेगरी रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे, तो उसे हम आपको बताते हैं। लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके द्वारा साफ साफ बताया गया है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नित होंगी, जैसे कि लाभुक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग एवं महिला युवा अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सब कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कम से कम यहाँ पर बताया गया है कि 10+2 इंटरमीडिएट या ITI यानी 10वीं के साथ आपने ITI किया है तो भी आपको चल जाएगा, पॉलिटेक्निक चल जाएगा, डिप्लोमा या सक्षम उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिर्फ 10वीं पास कर लिया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल वो अप्लाई नहीं कर सकते। 10वीं के साथ आपके पास ब्रह्मी हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, इन सब चीज़ें होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आपका उम्र सीमा जो रखा गया है 18 से यहाँ पर 50 वर्ष रखा गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों को जैसे कि करंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर RTGS के माध्यम से किया जाना चाहिए, यहाँ पर पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्रस्तावित फॉर्म को नाम से चालू खाता करंट अकाउंट यहाँ पर फाइनली रहना चाहिए, रद्द चेकबुक भी यहाँ पर लगता है तो उसे भी आपको बनवा लेना है, स्थायी निवासी यहाँ पर रहना चाहिए। अब जैसे कि SC/ST कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो स्थायी निवासी मैट्रिक प्रमाण पत्र जन्मतिथि के सत्यापन हेतु यहाँ पर रखा गया, इंटरमीडिएट या सक्षम योग्यता प्रमाण पत्र रखा गया, जाति प्रमाण पत्र रखा गया, संगठन प्रमाण पत्र आपको नहीं होगा तो आपको छोड़ देना है, आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होगा, फोटो आपको
तुरंत का खींचा होना चाहिए, 1-2 मंथ का होना चाहिए। हस्ताक्षर आपको अपलोड कर देना है। बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का सक्षम हो यानी कि पासबुक आपको अपलोड कर देना है। रद्द किया गया चेक, रद्द किया गया चेक आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अपने बैंक में जाएंगे और वहाँ से चेकबुक ले लेंगे तो चेकबुक की डिटेल आप अपलोड कर सकते हैं। अब वहीं बात करें, इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। बाकी वही चीज़ें बताई गई है, बाकी आपने मैंने सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी है। बाकी आप देख सकते हैं, आप गैरेज खोल सकते हैं, आप सिलाई मशीन कर सकते हैं, या तो आप साइबर कैफे या सिस्टम सेंटर भी खोल सकते हैं। यहाँ पर बढ़ई का काम कर सकते हैं, जैसे कपड़ा बुनना हो, मुर्गी पालन हो, आटा सत्तू बसन तेल की आदि की कर सकते हैं, और भी सामग्री यहाँ पर बताई गई। बाकी एक इस विजिट पर आपने विजिट करेंगे और बाकी सारी जानकारी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन रह जाता है इस वाले बटन पर आपको कॉल करके पूछ लेना है उनके द्वारा। यहाँ पर टाइम भी बता दिया गया, 10 बजे से 5 बजे तक आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, बाकी ऐसे टाइम में आप कॉल करेंगे तो रिसीव नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल ये अपडेट थी जो मैं आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, जो कि आप सोच रहे हो कि मैं भी कुछ बिजनेस करूँ और कुछ अच्छा करूँ पैसे कमाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है जो बिहार सरकार के लोगों को ही दिया जाएगा, यानी बिहार के लोगों को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ट्विटर हैंडल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप बेसिकली उनके ट्विटर पर जा करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी ये छोटी सी अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले आने वाले अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक का। जय हिंद, वंदे मातरम।